हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज है सावित्री व्रत। सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के साथ शेयर करना ही था। तो अभी मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ, बहुत सारे काम मेरे हो गए हैं, प्रसाद भी बन के रेडी हो गया है और मैं अभी रेडी भी हो गई हूँ। सावित्री व्रत में बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, श्रृंगार के सामान भी चढ़ाना पड़ता है। तो कल रात को ही मंगा लिए थे, मम्मी गई थी मार्केट, मम्मी और हस्बैंड गए थे तो दोनों लेकर आए। जो भी चीज़ें मंगाना था सबका लिस्ट दिए थे तो सब लेकर आए। और आज सुबह जल्दी उठकर फटाफट से नहाकर मैं सबसे पहले प्रसाद बनाई हूँ और मैंने अपना थाल भी रेडी करके रख लिया है। मेरे यहाँ जिस तरीके से पूजा होता है उसी तरीके से मैं अपना थाल रेडी किए हैं और जो जो सामान लगता है वही सब सामान रखे हैं। फूल है, बर के पत्ता है, 7 बर के पत्ता है, उस पर प्रसाद चढ़ाना होता है। गुड़ है, चना है और ये मैंगो है और मैंगो के नीचे ग्लास में शरबत है और सिंदूर, धागा, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, ये सारी चीज़ें अलग से मैंने रखा है और वो हस्बैंड को दे दिया है हाथ में। और उसमें ही मेरा चुंदरी है क्योंकि चुंदरी ओढ़ के ही पूजा किया जाता है। तो इस बार तो मेरे पास था चुंदरी क्योंकि पिछले टाइम ना हम मुंबई लेकर चले गए थे तो वहीं पर छोड़ दिए थे तो नहीं था। और पिछले टाइम मैं अपने मायके में की थी ये व्रत और पिछले टाइम ही मैंने ये व्रत उठाया था। इस बार मेरा सेकेंड वाला ये व्रत है और इस बार मुझे ससुराल में व्रत करने मौका मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी जेठानी ये व्रत नहीं करती है, मेरी बड़ी जेठानी नहीं करती है, बाकी और जेठानी है वो सब करती है। तो वो लोग तो आसाम में है, वो लोग वहीं पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेले कर रही हूँ। तो अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ बड़के पेड़ के पास और यहीं पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी है मेरे साथ और जेठानी भी है। पिछले टाइम तो मैं मायके में की थी ये व्रत तो मम्मी सब बता रही थी कि कैसे पूजा करना है क्योंकि पहले मैंने व्रत किया नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि सावित्री व्रत का पूजा कैसे होता है। तो इस बार भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी तो मम्मी अभी मुझे हेल्प कर रही है, बता रही है कि कैसे पूजा करते हैं। तो वही बोलते हैं ना, बड़े जब घर में होते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है और मुझे तो कभी मौका मिला ही नहीं कि ससुराल में इतना रुके और मम्मी भी साथ में बहुत कम टाइम के लिए मेरे साथ थी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आता नहीं है, खासकर पूजा पाठ करने तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मम्मी अभी बता रही थी, मम्मी जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो यहाँ पे जितने भी भगवान का स्थान है उन सबको टीका लगा रहे हैं और अभी प्रसाद भी चढ़ाएंगे। गुड़ चना जो मैं लेकर आई थी वो प्रसाद चढ़ाएंगे और अलग से प्रसाद चढ़ता है तो वो प्रसाद खाया जाता है। तो ये बड़ के पत्ते पर जो प्रसाद चढ़ रहा है ना, यही प्रसाद हम शाम को खाएंगे। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हो, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे सही करते हैं कि थोड़ा अलग नियम से करते हैं, क्योंकि व्रत तो सेम रहता है लेकिन नियम सबका अलग अलग होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि जो पूरी का प्रसाद चढ़ाया ना वहाँ पे टीका लगाने के लिए, तो वहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ। अक्षत प्रसाद और श्रृंगार के सामान ये सारी चीज़ें चढ़ा दिए, पूजा कर लिए। पूजा करने के बाद ना परिक्रमा करना पड़ता है, तो परिक्रमा अपने ऊपर रहता है कितना बार करना है, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, नहीं तो 100 बार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 परिक्रमा करूँगी, 11 बार करूँगी। तो 11 बार धागा लपेटना होता है और 11 चन्ने को ना गिन के हाथ में रख लेना होता है और सिंदूर भी लगाना रहता है। तो जैसे 1 बार परिक्रमा करने के बाद ना चन्ने को चढ़ाना होता है और उसके बाद सिंदूर लगाना रहता है
रहता है बर के पेड़ में, और वही सिंदूर अपने मांग में भी लगाना रहता है। तो इस तरीके से मैं परिक्रमा करती हूँ, मेरे यहाँ ऐसा ही होता है। आपके यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ का पूजा कंप्लीट होने के बाद ना घर जाके पति का पूजा करना पड़ता है। तो पति का पूजा कैसे करते हैं वो मेरे पिछले वीडियो में है, इस बार तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि पति का पूजा कैसे करते हैं। आज हम जहाँ पे गए थे ना पूजा करने, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं करता है पूजा, और करता भी है तो शायद इधर के लोग नहीं करते होंगे, उधर मार्केट की तरफ के लोग करते होंगे। तो उधर भी है बहुत सारे, यहाँ पे बड़ का पेड़ है। तो हम लोग जहाँ पे गए थे ना वहाँ पे तो बहुत अच्छे से पूजा करने को मिला है, कोई नहीं था, बहुत जल्दी जल्दी पूजा भी हो गया है और अच्छे से पूजा किए हैं, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं था, एकदम शांति से बैठ के आराम से पूजा किए हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और अभी देखिए वाटरमेलन। अभी दीदी इतना बड़ा सा वाटरमेलन काटी है, बहुत यहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, और इतना बड़ा रहता है ना कि आधा काटेगा ना पूरी फैमिली खाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होता है। तो आधा वाटरमेलन काटी है अभी और आधा शाम को खाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ वाटरमेलन खाने, और बाकी जो प्रसाद चढ़ाए थे ना वो शाम के टाइम में खाएंगे। अभी कितना 2 बज गया है शायद, तो इसलिए अभी फटाफट से खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। पता है यहाँ पे ना इतना गाड़ी का आवाज़ आ रहा है ना, बार बार गाड़ी का आवाज़ आ रहा है जा रहा है, वॉइस ओवर करने में बन ही नहीं रहा है। जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बन ही नहीं रहा है, बार बार गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। तो देखती हूँ रात के टाइम में वॉइस ओवर करूँगी, और वीडियो बहुत लेट जा रहा है तो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का भी वैसा ही प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मतलब वीडियो भी थोड़ा लेट ही बन रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ के ब्लॉग देखकर। तो चलिए फटाफट से खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। कितना लाल लाल है ना यहाँ पे, देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया। तो गाइज अभी शाम हो गई है, और अभी जस्ट मैं फलहार करके आ रही हूँ, और अभी 6 बजने वाला है। तो छत पे आई हूँ, कपड़े सुखाया हुआ है ना कपड़े उतारने के लिए, और अभी जाऊँगी नीचे। इधर ना बहुत सारे गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है, अभी नीचे जाऊँगी कपड़े फोल्ड करूँगी और पैकिंग स्टार्ट करूँगी फिर से। कल मायके जाना है तो मायके जाने की पैकिंग करना है। दिशानी दिशानी क्या कर रही है तू, क्या कर क्या रही है, किसको बोल रही है, उधर मत जाओ उधर मत जाओ दिशु, उधर मत जाओ, दिशानी गिर जाएगी, उधर मत जाना, उधर नहीं जाना है, नहीं नहीं। अरे वीडियो थोड़ा दूर से देख रहा है,
पाँच में सो गाइस अभी कपड़े उतारने के लिए आए थे छत पे और अभी मैं जा रही हूँ नीचे फोल्ड करूँगी सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने का है और फिर पूरा मेरा बेडरूम बिखरा हुआ है, सबको समेटूँगी और पैकिंग स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। कौन है दृशानी? फुल इंजॉय कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही है। जाओ पापा के साथ, दृशानी के पापा को देखिए, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है इनको। अभी मेरे बेडरूम का हालत देखिए, यहाँ पे ना गाड़ी का आवाज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना? लाइट नहीं है क्या? हाँ है ना, देखिए उधर भी कपड़ा, इधर भी कपड़ा, इधर भी कपड़ा है, सारे कपड़े को फोल्ड करना है और पैक भी करना है। मेरा एक बैग यहाँ पड़ा हुआ है और देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल अभी इसी तरह पड़ा हुआ है, इसको भी सेट करना है। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा सा टहल के आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आज है नेक्स्ट डे, कल था सावित्री व्रत और कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई, काम में लग गई फिर से तो भूल ही गई, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि आज मुझे जाना है मायके और एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, आ रहा है मेरा भाई तो उसके साथ जाना है। कल भी मैं आप लोगों को बताई थी, अभी नहाना है, साड़ी पहनना है, रेडी होना है और यहाँ पे अभी खाना पीना भी बनेगा तो दीदी का हेल्प भी करना है, साथ साथ में बनाते हैं ना तो जल्दी से हो जाता है, तो हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके खाना बना लेते हैं। तो चलिए अभी 6:30 हो रहा है और यहाँ पे ना बहुत जल्दी सुबह हो जाता है, 4:30 बजे ही सुबह हो जाता है, आज मैं 6 बजे उठी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। गाड़ी की आवाज़ ना बोलने ही नहीं दे रही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।